चुनावी माहौल में अक्सर आप पार्टी सिंबल, राजनीतिक दलों, मतदान के बारे में तमाम तरह की खबरें पढ़ते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी जमानत के बारे में पढ़ा या सुना है? चुनाव में जमानत जब्त हो जाना क्या होता है, जमानत राशि क्या होती है, इसके क्या नियम है? तो चलिए हम आपको जमानत राशि और इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में बताते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84B के मुताबिक 25 साल के किसी भी व्यक्ति को लोकसभा चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त है। हालांकि चुनाव लड़ने के लिए उस व्यक्ति का वोटर के रूप में देश के किसी भी हिस्से में पंजीकृत होना आवश्यक है। जैसे दिल्ली में पंजीकृत वोटर चेन्नई से चुनाव लड़ सकता है, इसी तरह असम का कोई वोटर गुजरात से चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। भारतीय जनप्रतिनिधित्व कानून के सेक्शन 8(3) के मुताबिक 2 साल या उससे अधिक सजा पाए व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। अगर ऐसा व्यक्ति नामांकन दाखिल करता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक दोषी ठहराए जाने के बाद अगर किसी प्रत्याशी की अपील लंबित है तो भी उस उम्मीदवार को अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति 2 सीटों से अधिक पर चुनाव नहीं लड़ सकता। कितनी है जमानत राशि? जनप्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशियों को नामांकन के दौरान 25,000 रुपए जमानत राशि जमा करनी होती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों को इसमें छूट दी गई है। SC और ST प्रत्याशियों को मात्र 12,500 रुपए जमानत राशि जमा करनी होती है। विधानसभा चुनाव में राशि सामान्य प्रत्याशियों के लिए 10,000 रुपए और SC ST के लिए 5,000 रुपए है। कैसे जब्त होती है जमानत राशि? चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक अगर कोई हारा हुआ प्रत्याशी उस लोकसभा सीट पर कुल पड़े वैध वोटों का 6.6% हिस्सा पाने में असफल रहता है तो उसकी जमानत राशि जब्त करके राजकोष में डाल दी जाएगी। प्रत्याशियों के जमानत जब्त होने का सिलसिला पहले लोकसभा चुनाव से जारी है। 1951 से 52 के आम चुनाव में 1874 प्रत्याशियों में से 745 की जमानत जब्त हो गई थी। वर्ष 1996 के लोकसभा चुनाव में 51% प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। पहले आम चुनाव में नेशनल पार्टियों के 28% प्रत्याशियों ने अपनी जमानत राशि गवा दी थी। मोदी लहर में 85% की जमानत जब्त। वर्ष 2014 में मोदी लहर में 8,748 प्रत्याशियों में से 7,502 कैंडिडेट अपनी सीट पर 16.6% मत हासिल करने में असफल रहे और उनकी जमानत राशि जब्त हो गई थी। 6 लोकसभा सीटों त्रिपुरा ईस्ट और वेस्ट, गाजियाबाद, सतारा, छतरा, फरीदाबाद में केवल जीतने वाले प्रत्याशी जमानत बचा पाए थे। 372 सीटों पर केवल जीतने वाले और दूसरे नंबर पर आए उम्मीदवार की जमानत बच सकी थी। मोदी लहर के बाद भी 62 लोकसभा सीटों पर BJP प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी 179 सीटों पर अपनी जमानत नहीं बचा सके थे। इस चुनाव में सबसे ज्यादा जमानत राशि का नुकसान BSP को हुआ था। BSP ने 501 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे और 445 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई थी। मोदी लहर में कांग्रेस के जिन बड़े नेताओं की जमानत राशि जब्त हो गई उनमें कार्ति चिदंबरम, मणिशंकर अय्यर, राज बब्बर, नगमा, मोहम्मद कैफ, सलमान खुर्शीद, जितिन प्रसाद और बेनी प्रसाद वर्मा शामिल हैं। राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 78 प्रत्याशियों में से 57 की जमानत जब्त हो गई।